ऑनलाइन ठगी करने वाले अब कम पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हमीरपुर बाजार में सब्जी की दुकान चलाने वाले प्रवासी भी अब ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ। यहाँ पीड़ित को फोन पर 20 से 30 किलोग्राम रोजाना सब्जी खरीदने का ऑर्डर मिलता है और फोन पर आर्मी का हवाला देकर ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन बाद में जब पैसों के लेन देन की बारी आती है तो आर्मी वाले व्यक्ति से एटीएम कार्ड की डिटेल मांगी जाती है और बाद में 2000, 3000 और इस तरह से 7000 रुपए निकाल लिए जाते हैं, जिसको लेकर पीड़ित दुकानदार ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है। क्या आप ऐसे करो, आप 2000 रुपए मेरे को ऑनलाइन करो। मैंने कहा मुन्नू मेरे पे तो होते ना, तू ही कर बेटा। तो उसने 2000 रुपए चले गए थे। फिर मैंने कहा 2000 के सर आप वापसी नहीं भेज रहे आप पैसे, 4000 कि 4000 आएंगे आपके। ऐसा करो आप ये 4000 रुपए भेजो, आप 6000 रुपए, ये 12000 रुपए का मैसेज आपको अभी आपको आ रहा है। मैंने कि 12000 रुपए मैसेज खाली आया था 12000 रुपए, पर बैंक में कोई पैसा नहीं आया था। उसके बाद मैंने बैलेंस चेक करा था, कोई पैसा नहीं था। फिर बंदा बोला कितने पैसे हो रहे हैं आपके खाते में। मैंने कहा सर मेरे 1000-1200 रुपये हैं। फिर मैंने कहा आप ऐसा करो मेरे पैसे 6000 वापस कर दो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। कहा आप ऐसा करो जो 800-1000 रुपये हैं वो पे करो, फिर आपके डेबिट कार्ड से सारे पैसे सीधे खाते में आपको दे देंगे पैसे। दुकानदार के बेटे ने बताया कि पापा कम पढ़े लिखे हैं और मोबाइल पर आर्मी से फोन आने पर एटीएम डिटेल बताई जाती थी, जिस पर सारे पैसे अपने खाते में व्यक्ति ने डलवाए। पापा को कॉल आई थी कि ये सब्जी देनी है ना 20-15 किलो ना, तो रोज 15-20 दिन तक जाएगी। तो पापा ने सोचा कि काम ठीक चलेगा। वो फोन आया था कि लिस्ट आई थी ना कि इतनी सब्जी देनी है रोज 15-20 दिन तक, और मैं वो उसने पूछा था कि ना उसने पूछा ना कि वो कैसे करूँ पैसे को। मैं तो उसने बोला आपने बोला कि पेटीएम कर दो या तो गूगल पे कर दो। उसने बोला हम आर्मी वाले हैं, हम नहीं करते ऐसे ना, आर्मी के एटीएम मशीन से नहीं आएंगे ऐसे पैसे। फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस कब तक पीड़ित के शिकायत पर कार्रवाई करती है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करती है और पीड़ित को न्याय दिलाती है। सूर्य समाचार के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट।